नव भारत शिल्प में महार बटालियन की स्थापना बाबा साहब द्वारा। दूसरे विश्व युद्ध जारी था, सरकार का सारा ध्यान युद्ध जीतने पर केंद्रित था। डॉक्टर अम्बेडकर को सात अन्य हिंदुस्तानियों के साथ सुरक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। यहाँ भी वे दलितों को अधिकार लेने से ना चूके, मुंबई के राज्यपाल से मिले और अछूतों की बटालियन स्थापित करने की मांग की। सरकार ने बाबा साहब की मांग स्वीकार कर ली, परिणाम स्वरूप महार बटालियन स्थापित हुई। बाबा साहब ने अपनी योग्यता, परिश्रम व लगन के बल पर भारतीय परिवेश में एक हीरा बनकर चमक रहे थे। जून 1942 में वैसे हिंदी ने बाबा साहब को अपनी कार्य साधक कैंसिल में शामिल कर लिया और उन्हें लेबर विभाग का कार्यभार सौंपा। हिंदुओं द्वारा नीच और अछूत बनाए गए परिदालियों पर जन्म लेकर अपनी योग्यता और संघर्ष से वायसराय की कार्य साधक कैलसिन का सदस्य बन जाना भारत के इतिहास में एक अपूर्ण घटना थी। डॉक्टर अम्बेडकर को देश भर के नेताओं व प्रशासकों द्वारा बधाई के असंख्य संदेश मिले। उनके स्वागत में जन सभाएं आयोजित की गई। 18 जुलाई को नागपुर में लगभग 1,00,000 लोगों ने अंबेडकर का स्वागत किया। इस जनसंख्या में बोलते हुए अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि मेरा आदेश सबको यह है कि आप पढ़ो लिखो, संगठन पैदा करो और संघर्ष करो। बाबा साहब का यह संदेश आज के दलित आंदोलन का मूल मंत्र माना गया है। बाबा साहब के संदेश में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर आप में ज्ञान है तो आप महान हैं, क्योंकि ज्ञान की खोज करना ही सबसे बड़ा महत्व होता है। जहाँ पे ज्ञान का अनुभव होता है वहीं पे अधिकारों का भी चयन किया जा सकता है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अधिकारों का भी अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।